सिल्वर बेरिंग यह पाठ मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। इस पाठ में सेक्शन ऑफिसर वाईडी यानी कि यशोधर पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं सारांश। यशोधर के ऑफिस में वह सेक्शन ऑफिसर हैं और अपने कार्यालय में ठीक समय तक बैठते हैं। उनके कारण उनके अधीनस्थों को भी उसी समय तक बैठना पड़ता है। अपने अधीनस्थों के साथ दिन भर उनका व्यवहार भले ही रुखा हो, शाम को चलते समय वे अपने गुरु कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते हुए वातावरण को हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा हंसी मजाक कर देते हैं। वे अपने अधीनस्थ असिस्टेंट ग्रेड के लिपिक चड्ढा की धृष्टता को भी अनदेखा कर देते हैं। यही बातचीत से मालूम होता है कि आज के 25 वर्ष पूर्व यशोधर की शादी हुई थी। यशोधर बाबू को अपने पूर्ववर्ती अधिकारी किशनदा का स्मरण हो आया और कुछ क्षण के लिए उनके साथ बिताए गए समय की स्मृतियों में खो गए। चड्ढा के पुनः बोलने पर यशोधर बाबू के मुख से यह वाक्य निकल गया, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। ऑफिस के दूसरे बाबू ने हिसाब लगाकर तुरंत उत्तर दिया, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। यशोधर सिल्वर वेडिंग को गोरे साहब के चौंचले बताते हैं, किंतु ऑफिस के अधीनस्थ बाबू चड्ढा व मेनन चाय मट्ठी लड्डू की मांग करते हैं। यशोधर जी चाय के लिए 10 रुपये तो दे देते हैं, किंतु इसे समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वह सिल्वर वेडिंग मनाने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने 10-10 की दो नोट और दे दिए, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए। यशोधर बाबू बाय सर्विस से तरक्की पाते हुए आज सेक्शन ऑफिसर हैं। उनके आदर्श उनके पूर्ववर्ती अधिकारी किशनदा हैं। वे अपने व्यवहार में किशनदा का अनुकरण करते हैं। किशनदा के मार्गदर्शन से ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यशोधर जी किशनदा के समान ही सिद्धांतों के धनी हैं। ऑफिस के बाद वे प्रतिदिन बिरला मंदिर जाते हैं, वहाँ प्रवचन सुनते हैं और ध्यान लगाते हैं। वहाँ से पहाड़गंज निकल जाते हैं, जहाँ से साग सब्जी खरीदते हैं। इसी समय लोगों से मिलना जुलना भी कर लेते हैं। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वह पैदल ही जाते हैं। ऑफिस का समय तो 5 बजे है, किंतु वे घर रात्रि को 8 बजे ही पहुंचते हैं। आज यशोधर जी जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में रहते थे। उस क्वार्टर के स्थान पर अब एक 6 मंजिला मकान बन गया था। यशोधर बाबू को 1 मंजिला क्वार्टर तोड़कर ये बहुमंजिली इमारत अच्छी नहीं लगी। यही कारण है कि उनके पद के अनुकूल एंजुगंज लक्ष्मीबाई नगर पंडारा रोड पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार्य नहीं है और वे यहीं जमे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर तोड़ा जाने लगा तब उन्होंने यहीं शेष क्वार्टर में से अपने नाम एक अलॉट करा लिया। किशनदा की स्मृति को बनाए रखने के लिए वे इसी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। किशनदा की याद आते ही यशोधर सोचते हैं, क्या यह अच्छा नहीं रहता कि किशनदा के समान शादी ही ना करते और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते। किंतु उनको स्मरण आता है कि किशनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं गुजरा। सेवानिवृत्त होने के बाद किशनदा को क्वार्टर खाली करना पड़ा तो उनके किसी भी साथी ने उन्हें शरण नहीं दी। उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा जहां साल भर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। समाज ने यह भी नहीं जानना चाहा कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी किस कारण से हुई। किशनदा से मिली सीख भी यशोधर को याद आती है। यशोधर को याद आता है कि प्रतिदिन भ्रमण से लौटते हुए किशनदा अपने मानस पुत्र यशोधर के घर अवश्य आते थे। किशनदा ने ही उन्हें जल्दी उठना और सैर करना सिखाया था। किशनदा ने अली टू बेड अली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज यह मंत्र दिया था। किशनदा उनको भाऊ कहते थे, जो उनको बहुत अच्छा लगता था। किशनदा के यशोधर ने अनेक रूप देखे, किंतु यह छवि तो उनके मन में बस गई।
सुबह की सैर को निकले कसंदार कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहनकर गोल विलायती टोपी सिर पर लगाकर पाँव में देसू खड़ाऊ धारण करके छड़ी हाथ में लेकर दिखाई देते थे। वह दृश्य यशोधर बाबू भुला नहीं सके हैं। यही कारण है कि जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य की भूमिका पूरी निष्ठा के साथ निभाई, भले ही उनकी पत्नी और बच्चे नाराज हुए। अपने घर पर होली गवाना, जनेऊ बदलने के लिए कुमाऊनियों को अपने घर पर बुलाना, रामलीला वालों को क्वार्टर का एक कमरा दे देना, सभी कार्य यशोधर बाबू ने किशनदा से ही विरासत में प्राप्त किए थे। यशोधर को इस बात का दुख था कि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। सिद्धांत के पके यशोधर का पिछले कई दिनों से अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी छोटी बात पर मतभेद रहता है। इसी कारण वे जल्दी घर लौटना नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें अपनी पत्नी का आधुनिका बनना तनिक भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं है। वह बच्चों की तरफदारी करती हुई मौत बन गई है। यशोधर बाबू की पत्नी की शिकायत है कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तब उनके पति ने कभी उनका पक्ष नहीं लिया। यशोधर परंपरावादी हैं किंतु उनके बच्चे आधुनिक हैं, अतः उनकी पत्नी बच्चों के पक्ष में रहती हैं। उनकी पत्नी परंपरा को ढोंग ढकोसला मानती हैं। यशोधर बाबू पत्नी के इस बदलाव को देखकर सान्यल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे लोग तमाशे कहकर मजाक बनाते हैं। उनके बड़े बेटे को एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में 1,500 रुपये की मासिक नौकरी मिल गई है। यह उनको साधारण पुत्र को असाधारण वेतन वाली नौकरी प्रतीत होती है। मझले पुत्र का एलाइड सर्विस में ना जाना भी उनको अच्छा नहीं लगा। बेटी का विवाह के लिए तैयार न होना भी उनको खटकता है। बच्चों की कुछ बातें उनको सही लगती हैं, जैसे DDA फ्लैट के लिए पैसा न भरने को वे मन ही मन अपनी भूल मानते हैं। बच्चों के तर्क के सामने निरुत्तर होकर सोचते हैं कि पुश्तैनी घर में जाकर मरम्मत की सारी जिम्मेदारी लेने के अतिरिक्त बेकार के झगड़े भी लेने पड़ेंगे। किंतु यशोधर बाबू किशनदा से प्रभावित हैं, जो यह कहते थे, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। बस वे यह सोचते हैं कि उनके रिटायर होने से पहले उनका बेटा सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास बना रहेगा। आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन नहीं लग रहा है। वस्तुतः वे मन से धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं हैं, वे तो अपने आदर्श किशनदा की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। उम्र ढलने के साथ वे किशनदा के समान ही मंदिर जाने लगे, संध्या करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन इनमें उनका मन नहीं लगता है। वे मन को समझाने का प्रयास करते हैं कि अब आसक्ति त्याग कर परलोक के विषय में सोचना चाहिए। प्रवचन में जनार्दन शब्द सुनकर उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आती है, जिनकी तबीयत खराब है, और उनका हालचाल पूछने पर अहमदाबाद जाना पड़ेगा। किंतु तुरंत ही ख्याल आया कि पत्नी व बच्चों को मेरा जाना पसंद नहीं आएगा। उनके बच्चों व पत्नी का विचार है कि बिखरे हुए संयुक्त परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव है, और यह आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर बाबू खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बच्चे भी जाएं। यशोधर बाबू का परंपरागत रूप उनकी पत्नी को पसंद नहीं है। उनकी पत्नी का मत है कि उनके पति ने स्वयं कुछ देखा ही नहीं है। माँ की मृत्यु के बाद यशोधर विधवा बुआ के पास रहे, जहाँ बुआ का लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। मैट्रिक करके दिल्ली आए तो वे कुंवारे किशनदा की छत्र छाया में रहे। किशनदा के पास गवई लोगों से प्राप्त ज्ञान था, अतः उनकी पत्नी को उनकी बुजुर्गियत पसंद नहीं है। यशोधर को पत्नी का बगैर बाँह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खाना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। यशोधर चाहते हैं कि उन्हें समाज में सम्मान मिले,
बच्चे आदर करें और हर बात में उनसे सलाह लें। वे नहीं चाहते कि मैं जो कहूँ बच्चे उसे पत्थर की लकीर समझें, किंतु यह भी चाहते हैं कि उनसे पूछा जाए। वे अनुभव का कोई विकल्प नहीं मानते। वे चाहते हैं कि बच्चे उनसे कहें कि पापा दूध लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, डिपो से कोयला लाना जैसे काम छोड़ दें। वे चाहते हैं कि उनका बेटा अपना वेतन उनको ला कर दे, किंतु उनकी इन इच्छाओं की और किसी का भी ध्यान नहीं है। सब्जी का झोला लेकर टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए यशोधर बाबू जब अपने घर पहुँचे तो उनकी दशा द्वारका से लौटे सुदामा जैसी थी। घर के बाहर वाईडी पंत नाम तो उन्हीं का लिखा था, किंतु उनको लगा कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़ी थी, बहुत से लोग विदा लेकर जा रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे, रंग बिरंगी रोशनियाँ जली हुई थी। बड़ा बेटा भूषण कार में बैठे हुए किसी साहब से हाथ मिलाकर कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू के समझ में कुछ नहीं आया। यशोधर ने देखा उनकी पत्नी और बेटी भी बरामदे में खड़ी हैं, कुछ मेम साहबों को विदा कर रही हैं। लड़की ने जीन्स और बगैर बांह का टॉप पहना हुआ है, पत्नी ने होठों पर लाली और बालों में डाई लगा रखी है। यशोधर बाबू को यह समहाउ इम्प्रॉपर लगा। यशोधर चुपके से घर पहुँचे तो बड़े बेटे ने झिड़की बोलते हुए कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर ने शर्मिली सी हंसते हुए पूछा, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर के भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महीना कमाने लगा है तब से। यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, अतः उनको विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, विस्की सब अच्छी नहीं लगी। उन्होंने यह भी मलाल है कि जब वे सुबह ऑफिस गए थे तब तक इस आयोजन की कोई चर्चा नहीं थी। जब उनके पुत्र भूषण ने अपने मित्र सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो वे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे या थैंक यू कहकर जवाब देते, जिनके नाम उन्होंने पहले बता दिए थे। उनको वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते। उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमाऊनी हैं तथा विलायती रीति रिवाज से अच्छी तरह परिचित हैं, इस समय भी वे किशनदा की सलाह पर चल रहे थे जो कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए। बच्चों के आग्रह पर केक काटने के स्थान पर जा करके खड़े हो गए। बेटी के आग्रह पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, किंतु केक खाने को वो तैयार नहीं हुए क्योंकि उसमें अंडा होता है। फिर उन्होंने कह दिया कि मैंने संध्या नहीं की है, यानी पूजा पाठ नहीं किया है, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने आज पूजा में ज़्यादा देर लगाई क्योंकि वे चाहते हैं कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं तभी मैं उठूं। आज पूजा में भी उनको किशनदा दिखाई दिए। यशोधर बाबू पूछते हैं, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? किशनदा ने बताया, भाव सभी इन जैसी जो हुआ होगा से मरते हैं, शुरू और अंत में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू सोचते हैं कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बताएंगे कि अपने बीबी बच्चों के प्रति मेरा रवैया कैसा होना चाहिए। मानो वे आज कह रहे हैं, जैसे आज तू अकेलापन महसूस कर रहा है वैसा ही एक दिन यह भूषण भी करेगा जो आज इतना उछल रहा है। इसी मध्य उनकी पत्नी ने आकर उनको झिड़क दिया और वे आसन से उठ गए। पत्नी के रिश्तेदार के चले जाने की बात मालूम होने पर यशोधर बाबू गमछा पहनकर बैठक में आए, जो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगा। बेटी के आक्रोश को सुनकर यशोधर भी उसकी जीन पर व्यंग्य कसते हैं। यशोधर ने जब उनको मिले प्रेजेंट खोलने के लिए कहा जाता है तो कह देते हैं, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो।
भूषण उनको खोलकर कहता है, ये उन्हीं ड्रेसिंग गाउन है, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। जब आप सवेरे दूध लेने जाते हो तो फटा पुलोवर पहनकर जाते हो, जो बहुत बुरा लगता है। बेटी उनका कुर्ता पजामा उठा लाई, इसे पहनकर गाउन